लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीमुंबई की रबाले पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस छापेमारी में कॉल सेंटर से 10 कंप्यूटर भी बरामद किए गए हैं। परिमंडल 1 के DCP विवेक पानसरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पकड़े गए लोग अमेजन कंपनी से खरीदारी करने वाले अमेरिकन नागरिकों को कॉल करते थे और उनका क्रेडिट कार्ड हैकिंग से बचाने के लिए सॉफ्टवेयर और गिफ्ट कार्ड खरीदने की पेशकश करते थे। प्राथमिक जांच में इस गिरोह द्वारा अब तक 15 प्रवासी नागरिकों को अपनी ठगी का शिकार बनाए जाने की खबर है। DCP विवेक पानसरे ने अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने वाले रबाले के सीनियर PI योगेश गावड़े और उनकी टीम की सराहना की। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हमारे रबाले पुलिस स्टेशन ने एक रेड किया है, इसमें अमेजोन के नाम से कॉल करने वाले एक कॉल सेंटर वहाँ पे चालू था, उसमें 7 लोग और कम से कम 10 कंप्यूटर हम लोगों ने अभी तक बरामद किए हैं। 7 लोग इसमें अरेस्ट किए हैं। ये लोगों की MO भी ऐसी थी कि ये लोग अमेरिकन नागरिक को कॉल करके आपने कुछ अमेजोन की खरीदी की है ऐसा कॉल करते थे, तो वो लोग वहीं पर नहीं बोलते हुए ये बोलते थे कि आपका अकाउंट शायद हैक हो गया है क्योंकि आपके अकाउंट से खरीदी तो हो गई है, तो उसके बाद अगर ऐसा दोबारा हैक ना होने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, कोई एंटीवायरस लेना पड़ेगा और उसके लिए कुछ गिफ्ट कार्ड से आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा वो लोग बोलते थे। और गिफ्ट कार्ड उन्होंने खरीदने के बाद वो गिफ्ट कार्ड का कोड मंगाते थे और वो कोड से जो गिफ्ट कार्ड की वैल्यू है वो वैल्यू सब जो वो पैसा है वो पैसा वो फ्रॉड करते थे। उसमें 7 लोग अभी तक हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं और बाकी का तपास अभी चालू है। जो टेक्निकल डाटा है वो हमारे ताबे में है, वो डाटा अमेजोन कंपनी का है, अमेजोन कंपनी के जो कस्टमर है वो कस्टमर का डाटा ही इनके पास है। पीछे जो कोई आदमी होगा वो शायद ज़्यादा शातिर हो सकता है, ये लोग तो कॉमन मैन जैसे ही लगते हैं, लेकिन अभी इनके बारे में और तपास चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।